शर्लिन चोपड़ा का असली चेहरा लोगों को इसलिए दिखाती हूँ, इसलिए आई हूँ कि वो एक वो एक पहले ब्लू फिल्मों में काम करती है, पॉर्न स्टार है, और वो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की औरतों को इज्जत दिलाने चली हूँ, इज्जत दिलाने चली है। अरे पहले तो खुद की तो इज्जत को ढक के रख, पहले तो न्यूड होके बॉडी पे हनी डाल के चॉकलेट डाल के ये गंदगी कर रही है क्या? तो, जो कार्यकर्ता है जो उसको सपोर्ट कर रही है, क्या उन कार्यकर्ता महिलाओं को क्या पता है? वो एडवोकेट्स जो है क्या उनको पता है कि शी इज अ पॉर्न स्टार? 2019 में अलीगढ़ में वो प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई थी। सब कुछ तो मैंने आपको दिखाया है ना जी? नहीं नहीं। तो फिर और एक बात बताइए कि वो शर्लिन चोपड़ा साल में 6 महीने सिर्फ पुलिस स्टेशन मीडिया ट्रायल करती रहेगी और सारे सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मंत्री शंत्री इन पे इल्जाम डालती रहेगी? आप मुझे बताइए, इल्जाम डालती रहेगी? वो बेचारे वो लोग तो खामोश बैठे हैं, उनकी बीवियां खामोश बैठी है कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा एक कीचड़ है, समझ रहे हो आप? वो एक कीचड़ है, तो कीचड़ का जो कीड़ा है ना, तो मुझे कीचड़ में जाके शर्लिन चोपड़ा कीचड़ का जो कीड़ा है उसको अंदर जाके मारना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं ही हूँ एक बॉलीवुड में हूँ जो ऐसे गंदे नाली के कीड़ा जो शर्लिन चोपड़ा उसका सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? मेरे बॉलीवुड के लोगों के लिए, देश के उन जनता के लिए, उन मर्दों के लिए जो जिसको शर्लिन चोपड़ा ने ऊपर कैमरा रखकर होटलों में अंदर बुलाता है, वो डायलॉग है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो शर्लिन चोपड़ा पे ही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऊपर कैमरा रख के वो आपके ब्लू फिल्म बना लेगी, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लेगी, गंदगी करेगी और सारी जिंदगी आपको वो ब्लैकमेल करेगी या आपके वीडियो अपनी बीवी बच्चों को दिखा देंगे तो वो पैसा भर लेगी। भाई साहब थोड़ा आ जाओ में, आ जाओ है ना, आप मत वो पहन के घुसो बीच में। मैम आज एफआईआर भी किया आपके नाम पे, शर्लिन चोपड़ा आज एफआईआर भी कर रहे हैं उनके नाम, आपके नाम पे, मेरे नाम पे करो राखी जी, ऑब्वियसली मेरे नाम पे करो, मैं भी अभी करूंगी। मानहानि का दावा, मेरे 10 पति, इस यहाँ पे किसको बोलने का अधिकार है? मेरे 10 पति, मेरे बाल मोटी, ये वो, चप्पल से मारूंगी, बहुत सारा बोला है ना, आने दो, मैं इंतजार में बैठी हूँ। राखी जी ये मामला तो राखी जी राखी जी ये मामला तो खैर शर्लिन और साजिद खान के उनके बीच का है। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब क्या जरूरत है आपको दो लोगों के जो मैटर चल रहा है लीगल, दो लोगों का मैटर कैसे? साजिद खान बिग बॉस में है, कई सारी लड़कियों ने तो उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, कई सारी लड़कियों ने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कई सारी लड़कियों ने कोर्ट में जाना चाहिए। शर्लिन चोपड़ा है कौन? शर्लिन चोपड़ा है कौन? वो सबके लिए केस लड़ने वाली वो कौन है? वो है पॉर्न स्टार, वो है ब्लू फिल्मों में काम करने वाली पॉर्न स्टार, और मर्दों को, मर्दों के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाकर वो है ब्लैकमेल करने वाली। तुम्हारी अय्याशी के लिए आप गाड़ी बड़ी चाहिए तो आप ऐसी गंदी फिल्में बना के लोगों से पैसे ऐंठती है, आपको बड़ा घर चाहिए तो आप पैसा ऐंठने के लिए ये ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करती है। उन्होंने जिस मुद्दे पे जो कहा है शब्द का इस्तेमाल किया वो है कंसेंट, कि एक लड़की उसके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कुछ करे व्यक्ति, लेकिन बिना उसकी कंसेंट के कोई उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है। तो वो नहीं कौन सा किसने क्या कहा है हम तो देख रहे हैं, आपको मैं भेजती हूँ उसके फोन वीडियो। मैडम उसका उस केस से क्या लेना देना? कौन से केस से? जो भी वो कंटेंट बनाती है, एडल्ट कंटेंट बनाती है, उनका उसके साजिद खान के केस क्यों नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना। तुम एक पॉर्न स्टार हो, बट बाकी लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाए वो तो आरोप लगाया है वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया ट्रायल ना करे। अच्छा आपका मीडिया ट्रायल नहीं करना है? ओके ओके। मीडिया ट्रायल क्यों किया? पुलिस स्टेशन जाए ना। अगर मैं कहती हूँ साजिद खान गुनहगार है तो कोर्ट उसको सजा दे,
पुलिस उसको सजा दे। वो लड़कियां कहाँ छुप के बैठी है? एक भी लड़की बाहर तो आए सिर्फ इंस्टाग्राम से बोलने से। आपको लगता है कि सारी की सारी लड़कियां जो भी है इन्होंने आरोप लगाए वो सब आपके हिसाब से झूठे? नहीं, वो कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस स्टेशन जाए। लीगली हमारे देश में कानून नहीं है क्या? सब कुछ अरविंद चोपड़ा ही है? हमारे देश का कोई कानून, जज, पुलिस कुछ भी नहीं है? सिर्फ शर्लिन चोपड़ा ही है क्या? ये सारी लड़कियां कौन? शर्लिन चोपड़ा कोई जज है? कहाँ की जज है? कहाँ की जज है वो? कहाँ की जज है जो ये सारी लड़कियां जा रही? विक्टिम है। चार साल से साजिद खान बैठा था तभी ये जागे नहीं। जैसे साजिद खान बिग बॉस में पहुंचा पब्लिसिटी लूटने भाग गई है। ये पब्लिसिटी लूटने भाग गई, ये पब्लिसिटी स्टंट है पूरा। इसको बिग बॉस में जाना है, पब्लिसिटी चाहिए। पर आपके हिसाब से फिर जो बाकी लड़कियां हैं वो भी क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं? मैं बाकी लड़कियों का इसलिए नहीं बोलूंगी कि वो लड़कियां न पुलिस स्टेशन गई है न कोर्ट गई है। मैं अपने देश के संविधान को रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे देश के कानून को रिस्पेक्ट करती हूँ, कोर्ट कचहरी को, जज साहब को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो देश का कानून मतलब मीडिया ट्रायल में नहीं सॉल्व हो सकता। मतलब जो देश में गुनाह या जो भी क्राइम होते हैं वो मीडिया ट्रायल में नहीं सॉल्व हो सकता दोस्तों। नहीं, बट यहाँ उस बंदे को जाना ही पड़ेगा कोर्ट कचहरी। कोई आत्महत्या करेगा, कोई मर्डर करेगा, क्या मीडिया सॉल्व करती है? हाँ? वो तो अभी कर रही है, वो कोर्ट कचहरी का कर रही है। लेकिन कोर्ट कचहरी हमारे देश में है। मैं उन लोगों को कहती हूँ 9967878611 पे मुझे कॉल कीजिए, जिन जिन मर्दों को, जिन जिन लोगों को शर्लिन चोपड़ा ने ब्लैकमेल किया है, आप कॉल कीजिए, आपके वीडियो भेजिए, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल भेजिए, क्योंकि ये सालों से यही करती आ रही है राखी। लेकिन ये यही करती आ रही है राखी। साजिद खान को राखी जी, राखी जी एक आखिरी सवाल। लेकिन साजिद खान को जो इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन है उसने उन्हें एक साल तक, जब मैंने उस टाइम पे जब उन लोगों से बात की थी, एक तो साल तक, एक साल के लिए उनको बैन किया था। और उन्होंने कहा था सजा, मेरे भाई सजा मिल गई ना साजिद खान को। अब अगर उन लोगों ने बैन किया था, साजिद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं थे। और वो जो आईएफटीडी वाले के आईएफटीडी वालों का कहना था कि उनका जो जवाब वो कुछ हवा में बात कर रहे थे, उन्होंने वो चार साल बेचारा सजा भुगत चुका है। पर मैडम आपको नहीं लगता जो आरोप है वो काफी गंभीर है? सजा भुगत चुके हैं। किसी भी इंसान को, इंसानियत को अधिकार नहीं है कि आप उनको फांसी की सजा दे दो। पर राखी जी मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहता, बट जो आरोप ऐसे गंभीर है तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी डिसाइड करे और लोग इस पे टिप्पणी ना दे? नहीं नहीं नहीं, क्यों लोग ना टिप्पणी दे? शर्लिन बाहर आके मेरे फिल्म इंडस्ट्री को, मेरे लोगों को, देश की जनता को, लोगों को मतलब खराब करने की कोशिश करेगी, झूठा झूठा केस करके अपने बैंक अकाउंट भरने की कोशिश करेगी, वहां पे राखी सावंत जरूर आएगी। आप समझ रहे हो भाई? अभी तो तुम्हारे घर में गोप्रो कैमरा रख के तुम्हारे रूम में नहीं शूट किया है, क्योंकि जिस पे बिकती है ना वो ही जानता है। समझ गए भाई? और तुम शुक्र करो तुम्हारी बहन राखी सावंत जैसी एक लड़की है तो ऐसी घिनौनी औरत, कीचड़ और दलदल जैसी जो ये लड़की है शर्लिन चोपड़ा, ऐसी ऐसी औरतों का सामना करने के लिए राखी सावंत खड़ी है। तुम जैसे मर्दों को, शरीफ मर्दों को जो बदनाम कर रही है उनको न्याय दिलाने के लिए राखी सावंत खड़ी है। अगर उन बेकसूर मर्दों को जो कसूरवार है उनको तो कोर्ट में जाए भाई, फिर उनको सजा हो, मेरे को लेना देना नहीं है। लेकिन जो बेकसूर है, देखो एक मर्द है, उसके दो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी बीवी है, वो आके मीडिया में ट्रायल नहीं करेगा? वो नहीं करेगा कि भाई ये झूठी लड़की है, मेरे साथ ऐसा कर रही है? पहले तो मीडिया उसको नोच के खा जाएगी, बोलेगी तुम उसको क्यों गए थे कमरे में, ये क्यों बनाया, ये कैमरा क्यों रखा? क्या आप चाहते एक मर्द के कारण उसकी बीवी आत्महत्या करे, उनके बच्चे मर जाए? नहीं, उनकी तरफ से मैं लड़ रही हूँ। आया समझ में? मेरे को कोई शौक नहीं है। मुझे मोटा बोला, चले हाँ ठीक है मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं आज भी काम कर रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री मेरे को रोटी दे रही है, काम कर रही हूँ मैं। मेरे सर में गंजी, मुझे गंजा बोला, ये लग बाल कितने मेरे, ये देखो कितने बाल है, खींचोगे भाई खींचो? मेरे को झूठा झूठा बोल रही मेरे खिलाफ। आपको नहीं लगता कि ये मामला आदिल भाई, आदिल 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 आदिल।